हरियाणा विधानसभा चुनाव में अगर किसी नेता की बिरान माटी, खराब माटी और रेरे माटी तीनों हुई हैं, तो उनका नाम है दुष्यंत चौटाला। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को इस बात का एहसास नहीं था कि उनकी इस तरह से दुर्गति हो जाएगी। विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी की डबवाली में दिग्विजय चौटाला के अलावा बाकी सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। खुद दुष्यंत चौटाला भी उचाना की सीट पर सुपर डुपर जमानत गंवा बैठे और वो 10,000 वोट भी नहीं ले पाए। यानी दुष्यंत चौटाला के लिए विधानसभा का चुनाव एक वाटरलू साबित हुआ है और विधानसभा चुनाव के बाद के 20 दिन के बाद अचानक ही दुष्यंत चौटाला ने ऐसा रूप दिखा दिया है, ऐसी उन्होंने कार्रवाई कर दी है जिसके चलते उनके ऊपर गुमशुदगी के आरोप लग गए हैं। आखिर दुष्यंत चौटाला ने 20 दिन में क्या किया है और दुष्यंत चौटाला कहाँ खड़े हैं और दुष्यंत चौटाला का भविष्य क्या है, ये जानने के लिए आज के इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। दो हजार 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला हरियाणा की सियासत के सबसे चमकते हुए सितारे थे। परिवार में हुए सियासी विभाजन में उन्होंने जननायक जनता पार्टी बनवाकर अपने पिता अजय सिंह चौटाला और भाई दिग्विजय चौटाला के साथ महज 11 महीनों में 10 विधायकों को जितवाकर बीजेपी के साथ न सिर्फ सत्ता में हिस्सेदारी ली बल्कि वे बेहद कम उम्र में प्रदेश के डिप्टी सीएम भी बन गए। यानी 2019 में दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल की सियासी वारिस के उत्तराधिकारी घोषित हो गए। उन्होंने सुपर कामयाबी के जरिए अपना लोहा मनवा लिया, लेकिन वो जिस तेजी के साथ लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचे थे और जिस तेजी के साथ हरियाणा के लाखों युवाओं में दुष्यंत चौटाला का जबरदस्त क्रेज बना था, वो महज 2 साल के बाद ही किसान आंदोलन के कारण डामाडोल हो गया और उसके बाद वो लगातार नेगेटिविटी के शिकार हो गए। उनको जाट वोटरों के साथ साथ अपने खुद के कैडर के अंदर भी विरोध का सामना करना पड़ा। यही वजह रही कि जो दुष्यंत चौटाला 2019 में सफलता के शिखर पर थे वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों में ही सुपड़ा सांप का शिकार हो गए। दुष्यंत चौटाला की जो दुर्गति हुई है वो हरियाणा के सियासी इतिहास में आज से पहले किसी भी डिप्टी सीएम या सीएम की नहीं हुई। यानी किसी पार्टी के मुखिया को अगर 8,000 वोट भी नहीं मिले तो उनका रिकॉर्ड दुष्यंत चौटाला के नाम पर दर्ज हो गया है। दुष्यंत चौटाला 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अचानक ही उस तरह से गायब हो गए हैं जिस तरह से गधे के सिर से सिंह गायब हो जाते हैं। पिछले 20 दिन में दुष्यंत चौटाला एक भी कार्यक्रम में नजर नहीं आए हैं, यानी वो लापता हो गए हैं। दुष्यंत चौटाला को दरअसल पिछले 20 दिन में एक भी कार्यक्रम का न्योता नहीं मिला है। ना तो उनको किसी ने दशहरे के कार्यक्रम में बुलाया, ना ही उनको किसी ने वाल्मीकि जयंती पर बुलाया और ना ही जेजेपी के किसी नेता और कार्यकर्ता ने दुष्यंत चौटाला को अपने पारिवारिक समारोह में बुलाया। यानी दुष्यंत चौटाला का घोषित चौतरफा सामाजिक बहिष्कार हो गया है। दुष्यंत चौटाला को न कोई बुलाना चाहता है, दुष्यंत चौटाला को न कोई सियासत में अपना नेता मानना चाहता है। यानी दुष्यंत चौटाला की सबसे ज्यादा बेकदरी हो गई है और दुष्यंत चौटाला हरियाणा में नफरत की सियासत के शिकार हो गए हैं, क्योंकि नाराजगी तो दुष्यंत चौटाला की इस कदर बढ़ी हुई है कि उनका नाम लेना भी वोटर गवारा नहीं समझते। विधानसभा चुनाव में जबरदस्त दुर्गति के बाद दुष्यंत चौटाला के प्रति किसी को कोई भी विचारगी का आलम नहीं है, कोई भी उनके साथ सहानुभूति नहीं रखता है, बल्कि इसको उलट सभी कहते हैं कि उसके साथ में अच्छा हुआ है। यानी दुष्यंत चौटाला के चाहने वाले हरियाणा की सियासत में गिने चुने लोग ही बचते हैं। जिन दुष्यंत चौटाला को 2019 के विधानसभा चुनाव में 16% वोटरों का समर्थन मिला था वो 2024 के विधानसभा चुनाव में 1% वोट भी नहीं ले पाए। यानी दुष्यंत चौटाला हरियाणा की सियासत में रिजेक्ट हो गए हैं। यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला भी इस दुर्गति के कारण, इस बिरान माटी, खराब माटी और रेरे माटी के कारण अब बेहद दुखी हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से वापसी करें, किस रास्ते से वापसी करें और हरियाणा की सियासत में दोबारा से अपने आप को शिखर के नेताओं में शामिल करें। लेकिन दुष्यंत चौटाला के लिए ये लक्ष्य हासिल करना फिलहाल मुमकिन नज़र नहीं आता है, क्योंकि उनको लेकर हरियाणा के वोटरों में नफरत का माहौल है। हरियाणा के उनके खुद के जेजेपी के नेता और वर्कर भी दुष्यंत चौटाला की बड़ाई नहीं कर रहे हैं, दुष्यंत चौटाला के साथ नहीं खड़े हैं और वो दुष्यंत चौटाला की दुर्गति पर भी अफसोस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका तो ये कहना है कि दुष्यंत चौटाला के कारण वो फंस गए हैं। दुष्यंत चौटाला के कारण उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को छोड़ा और दुष्यंत चौटाला के कारण आज वो कहीं के नहीं रहे हैं।
4.5 साल तक सत्ता में हिस्सेदारी होने के बावजूद दुष्यंत चौटाला ने पार्टी के नेताओं और वर्करों की सुनवाई नहीं की और वो तानाशाही रवैये के चलते अपने आप को सबसे बड़ा नेता मान बैठे और उन्होंने जनता की भावनाओं का और अपने पार्टी के नेताओं और वर्करों के जज्बातों के साथ खेलने का काम किया। यही वजह रही कि विधानसभा चुनाव में ना तो जनता ने उन्हें प्यार दिया और ना ही जेजेपी के नेताओं और वर्करों ने उनके प्रत्याशियों के लिए कोई मेहनत की। यही वजह रही कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी के डबवाली की सीट के अलावा बाकी सभी सीटों पर जमानत जब्त होगी और अब दुष्यंत चौटाला 5 दिन से गायब चल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला को अता पता नहीं है। दुष्यंत चौटाला के सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों पर सिर्फ उनके पेज को हैंडल करने वाले, सिर्फ उनके प्लेटफार्म को हैंडल करने लोग ही सिर्फ दिखावे की रस्म अदायगी वाली पोस्ट डाल रहे हैं। यानी दुष्यंत चौटाला 20 दिन से अब पूरी तरह से सियासत से लापता हो गए हैं और विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उनको पूरी तरह से निस्ताबुद कर दिया है, उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया है और उन्हें बिल्कुल अर्श से फर्श पर धकेल दिया है। आप दुष्यंत चौटाला की इस हालत के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइए। दुष्यंत चौटाला ने अपनी सियासत में क्या क्या गलतियां की ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। दुष्यंत चौटाला की खराब माटी ब्रांड माटी और रेरे माटी क्यों हुई ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।